तो सैलून स्टाइल पफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने बालों को 3 लेयर्स में डिवाइड करना है और लेयर बाय लेयर जो है बैक कॉमिंग कर देनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अभी ये 2 लेयर्स की कर चुकी हैं और अब ये कर रही हैं 3rd लेयर की। पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लाइक अगर आपको पफ जो है बिल्कुल फ्लफी चाहिए तो आपका जो हेड वॉश है वो फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले आपने किया हो, उससे ये होता है कि जो पफ है उसमें फ्लफीनेस अच्छे से नहीं आ पाती है और जो हमारे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली लगने लग जाते हैं। तो जैसे ही आपकी बैक कॉमिंग कंप्लीट होगी, इसको एक नीट लुक देने के लिए आपको अपने अकॉर्डिंग टू योर फेस सेट कर देना है कि आपको जो है बीच में पफ चाहिए, पूरा पफ चाहिए। और अगर आपको लगे थोड़ी बहुत कि मेरा जो पफ है वो कम्प्लीटली फ्लफी नहीं लग रहा है, तो थोड़ी सी लेयर लेकर अगेन आपको फ्रंट की लेयर लेकर अगेन थोड़ी सी बैक कॉमिंग कर देनी है। तो अभी हो चुकी है हमारी बैक कॉमिंग कंप्लीट। तो अब ये बालों को सेट करें हैं, क्योंकि जो मेरे बाल हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटिंग हुई हुई है, तो स्ट्रीक्स अगर हुए हों तो स्ट्रीक कम्प्लीटली दिखने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और अगर आपके बालों में स्ट्रीक नहीं हुई तो आपको इस चीज़ की थोड़ी इशू कम आएगा, क्योंकि अगर ब्लैक ही हेयर्स होंगे तो इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे कि स्ट्रीक्स दिख रही हैं नहीं। पर अगर स्ट्रीक हेयर होंगे तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हमारी जो स्ट्रीक्स हैं वो कम्प्लीटली विजिबल हो। तो अब इन्होंने देखा है कि ये पफ कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है और पीछे के बालों में इन्होंने की है प्रेसिंग। तो प्रेसिंग की मैंने बहुत सारी प्रोफेशनल वीडियोस डाल रखी हैं, अगर आपको देखनी हो प्रोफेशनल प्रेसिंग कैसे करें तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो साइड से सेट कर रही हैं कि बिल्कुल ये एक अच्छा लुक दे। एंड देन आपको चाहिए होंगी बोपिंस। तो बोपिंस आप अपने अकॉर्डिंग टू जैसे आप नॉर्मली लगाते हैं वैसे ही आपको लगा लेनी है, क्रिस क्रॉस शेप में। तो 2-3 जितने में जो है आपका पफ जो है वो कम्प्लीटली सेट हो जाए, बिल्कुल भी हिले ना। तो बेसिकली इन्होंने लगाई थी 3 बोपिंस। तो आप टिकटॉक भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, टिकटॉक के जो क्लिप्स आते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये बोपिंस लगा सकते हैं। एंड जब आपका जो पफ है, मेरा जो पफ है वो फाइनल स्टेज पे आ चुका है, इस पे आपने हल्की सी जो है स्प्रे कर देनी है। स्प्रे का बेनिफिट यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, ऐसा नहीं होगा आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा पिन लगाने के बाद स्प्रे करने का रहेगा। बाकी आपको मैं एक टिप भी दूंगी, जब भी आप पफ बनाएं टेल कॉम का ही यूज़ करें, तो मार्केट में टेल कॉम ईजिली मिल जाती है। और ये देखिए बिल्कुल ही हल्की सी स्प्रे कर देनी है, स्प्रे आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं जो हेयर स्प्रे होती हैं, और पीछे से आप दे सकते हैं प्रेसिंग लुक। और अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि थोड़ा बहुत फ्लफ और करना है तो टेल कॉम से ये थोड़ा सा आप इसको टेल कॉम को अंदर लेके जाइए और थोड़ा सा फ्लफीनेस दे दीजिए। तो ये हो गया कंप्लीट पफ।